एंड ये दूसरा नेटवर्क है ठीक है इफ़ वी वॉन्ट टू कनेक्ट दीज टू नेटवर्क देन वी कैन यूज़ ब्रिज सिस्टम ओके इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट जनरली क्या होता है ब्रिजेस क्या होते हैं है? एक साइड ये है किसी भी एरिया की दूसरी साइड ये है अब इन दोनों साइड्स को अगर हम लोगों ने कनेक्ट करना है ठीक है ये नदी के दो किनारे हैं इन दोनों किनारों को अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग इसके बीच में ब्रिज बना देते हैं इससे क्या होता है ये पूरा जो है वो एक ही एरिया बन जाता है इजीली हम लोग ट्रांसमिशन यहाँ पे करवा सकते हैं ठीक है सो वैसे ही यहाँ पे नेटवर्किंग में ब्रिजेस इज जनरली यूज टू एक्सटेंड द नेटवर्क एरिया ओके सो समटाइम्स ब्रिजेस एक्ट एज रिपीटर्स दे समटाइम्स एक्ट एज रिपीटर्स ओके रिपीटर्स टू एक्सटेंड द नेटवर्क सो रिपीटर्स क्या होते हैं रिपीटर्स की हेल्प से भी हम लोग छोटे छोटे नेटवर्क ब्लॉक्स को कनेक्ट करके नेटवर्क का साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं उसका एरिया बढ़ा सकते हैं ठीक है सो समटाइम्स ब्रिजेस एक्ट एज रिपीटर टू एक्सटेंड अ नेटवर्क ओके सो नेटवर्क विद डिफरेंट आर्किटेक्चर्स नेटवर्क विथ डिफरेंट आर्किटेक्चर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग ब्रिज ठीक है डिफरेंट आर्किटेक्चर की ये दो नेटवर्क्स हैं इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेंगे ब्रिज की हेल्प से ओके सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट नेटवर्क एक्सटेंड राइट सेकेंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्रिज इज दैट इट इज यूज टू इंक्रीज द बैंडविर्थ ऑफ द नेटवर्क ओके फॉर एग्जाम्पल फ्यू ऑफ द नोट प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क Suppose this is network वन or LAN वन this is LAN टू okay? Here we have some different computers. लैन में क्या होता है एक ही बिल्डिंग के कंप्यूटर सिस्टम्स को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं राइट सो यहाँ पे इसको हम लोग नोड्स भी बोल सकते हैं नोड्स भी बोल सकते हैं ओके सो फ्यू ऑफ द नोड्स प्रेजेंट ऑन द नेटवर्क शेयर अ सेपरेट कोलिजन डोमेन ओके दे शेयर ऑल दीज शेयर सेपरेट कोलिजन डोमेन फॉर दीज इंडिविजुअल नोड्स ब्रिजेस इंक्रीज द बैंडविर्थ ओके इन्हीं नोड्स के लिए क्या हो सकता है ब्रिजेस जो हैं जो यूज़ हो रहे हैं वो बैंडविर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं ओके okay? So, third advantage of using bridge is high reliability. It's high reliability. Okay, overall the network reliability is basically high in a bridge, which which generally makes it easier to maintain the network. Okay, we have some bridges that is used to maintain the network. Okay, with the help of bridges, we can easily transmit files, data, and any type of uh, thing from one place to another place okay and also network congestion can be reduced by dividing LAN into small segments okay to so, jitna kam segment hoga utna hi hamara system reliable hoga ye kyu hai क्योंकि देख लीजिए अब जैसे ये एक end है ये दूसरा end है ठीक है हम networking की बात नहीं कर रहे ये example में general उस पर ले रही हूँ ठीक है so, यहाँ पे एक बीच में bridge है ठीक है अब यहाँ से भी हैं कुछ लोग जो उस तरफ जाना चाहते हैं एंड यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो उस तरफ जाना चाहते हैं लेकिन ब्रिज जो है वो सिर्फ एक ही है तो क्या होगा जितने कम लोग होंगे उतना ये सिस्टम हमारा रिलायबल रहेगा जितने कम लोग एक साथ इस ब्रिज पे चल रहे होंगे उतना ज़्यादा हमारे ब्रिज की लाइफ रहेगी एंड उतना यहाँ पे ट्रैफिक कम होगा एंड उसी को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी ठीक है वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी होता है कि जो दो नोड्स हैं जिनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन होना है विद द हेल्प ऑफ ब्रिज तो जितने कम सिस्टम्स होंगे जितने स्मॉल सेगमेंट्स होंगे उतना ही रिलायबल होगा हमारा ब्रिज ओके सो नेक्स्ट एडवांटेज इज फ्रेम बफरिंग फ्रेम बफरिंग ओके सो हेयर डिफरेंट सेगमेंट्स यूजेस डिफरेंट मैक प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ब्रिजेस जो होते हैं वो मैक पे काम करते हैं ठीक है ये डिवाइसेस सब कुछ जो है वो मैक एड्रेस पे काम करती हैं ओके सो मैक प्रोटोकॉल्स आर यूज हेयर एज अ रिजल्ट इट क्रिएट्स फ्रेम बफर ठीक है फ्रेम्स okay? so, क्या होती हैं डेटा लिंक लेयर में जो भी पैकेट्स होते हैं वो फ्रेम्स के फॉर्मेट में काम करते हैं सो एज अ रिज़ल्ट इट क्रिएट्स सम फ्रेम बफरिंग राइट देयर फोर ब्रिजेज वर्क टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट सेगमेंट्स ये हम लोगों ने यहां पे भी डिस्कस किया था कि ये डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं एंड ब्रिजेस आर जनरली यूज टू इंटरकनेक्ट दीज टू सेगमेंट जस्ट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा राइट नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोटोकॉल ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल ट्रांसपेरेंसी ओके सो ब्रिजेज जनरली फंक्शंस एट द मैक लेयर ठीक है दिस इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो ब्रिजेस जनरली फंक्शन एट द मैक लेयर दिस मेक्स हायर लेवल ऑफ प्रोटोकॉल ट्रांसपेरेंट अब यहाँ पे क्या होता है दो सेगमेंट्स हैं ठीक है थीके? दो सेगमेंट्स हैं अब यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं कौन कौन से कंप्यूटर सिस्टम्स हैं यहाँ पे कौन कौन से नोट्स कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो इन दोनों को पता होना चाहिए अब जैसे दो पर्सन हैं ठीक है ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करने वाले हैं तो इन दोनों को बातचीत करने से पहले कुछ तो पता होना चाहिए ना एक दूसरे के बारे में कुछ तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना यहाँ पे कि कुछ रूल्स हैं कि हाँ हम लोग फॉर्मली बात करने वाले हैं या इनफॉर्मली बात करने वाले हैं या जो कुछ भी चीज़ें होती हैं जो कुछ भी प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल्स ठीक है जैसे कि एक सीनियर ऑफिसर है एक जूनियर ऑफिसर है उन दोनों के बीच में अगर कुछ बातचीत होनी है तो कुछ एक रूल्स होंगे जिनको उन्हें फॉलो करना होगा अगर वो रूल्स दोनों को पता होंगे तभी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से हो पाएगा राइट वैसे ही ब्रिजेस में क्या होता है दोनों एंड्स पे जो प्रोटोकॉल्स हैं दोनों एंड्स पे जो कुछ रूल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए इन दोनों के लिए तभी ये दोनों एक दूसरे को बता पाएंगे तभी जो है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा